हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पे मैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑइंटमेंट, जो कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर का टॉपिक है दोस्तों। फर्स्ट ईयर में भी इसका थोड़ा बहुत है दोस्तों, नहीं तो सेकेंड ईयर का ये एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं अलग अलग टॉपिक के दोस्तों, तो आप लोग वो वीडियो भी मेरी जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आज हम बात करेंगे ऑइंटमेंट के बारे में। तो ऑइंटमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। जो ऑइंटमेंट होता है दोस्तों, वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ड्रग आर डिजॉल्व इन ऑइंटमेंट बेस। जो ड्रग रहती है दोस्तों, वो ऑइंटमेंट बेस में डिजॉल्व रहती है। द ऑइंटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोटेक्टिव इमोलिएंट एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। ऑइंटमेंट क्यों बनाया जाता है, ये प्रोटेक्टिव सुरक्षा के लिए, इमोलिएंट एक्शन के लिए और एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए ये बनाया जाता है दोस्तों। ऑइंटमेंट आर यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। जो ऑइंटमेंट होता है वो हम एक्सटर्नली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। एक्सटर्नली दे कंटेन सूटेबल माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इसको माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज, इसको हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। एक तो अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे दोस्तों एक अलग प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, इसके आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूजेज, तो इसको हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला वाला हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन। तो इसमें दोस्तों नंबर वन पे आता है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। एपिडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होता है, तो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट आर मिंट फॉर यूज्ड ऑन एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट होता है वो किस लिए बनाया जाता है, एपिडर्मिस पर यूज करने के लिए बनाया जाता है। और ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लोकल इफेक्ट और सर्कुलेटरी इफेक्ट में अंतर होता है दोस्तों। जो लोकल इफेक्ट होता है वो लोकली होता है, जो ड्रग होती है हमारे वो ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाती है, वो लोकली इफेक्ट वो होता है दोस्तों जो ब्लड में हमारी ड्रग नहीं जाती है। और सिस्टमिक इफेक्ट वो होता है जिसमें हमारी जो ड्रग होती है वो ब्लड में जाती है। दूसरी चीज, दे आर नॉट एब्जॉर्ब। ये जो ऑइंटमेंट हमारा होता है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके बाद में सेकंड है दोस्तों इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स। इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स जो होता है, दीज ऑइंटमेंट्स आर मिंट फॉर एक्शन ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू। ये क्यूटेनियस टिश्यू की डीपर लेयर के एक्शन के लिए दोस्तों बनाया जाता है। दे आर पार्शली एब्जॉर्ब, ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एक्ट एज इमोलिएंट स्टिमुलेंट एंड लोकल इरिटेंट की तरह। ये मतलब ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है और ये इरिटेंट या फिर इमोलिएंट स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। उसके बाद में दोस्तों थर्ड हमारा लास्ट डायडर्मिक ऑइंटमेंट। दीज ऑइंटमेंट आर मिंट फॉर डीप पेनिट्रेशन एंड रिलीज द मेडिकामेंट दैट पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। तो अभी बताया दोस्तों आप लोगों के सिस्टमिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमारी ड्रग ब्लड में जाती है तो उसको सिस्टमिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वही होता है, ये डीप पेनिट्रेशन के लिए बनाया जाता है और हमारी जो ड्रग होती है वो सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में दोस्तों अगला है हमारा
ये दोस्तों ख़त्म हो गया। इसके अकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन दूसरे अकॉर्डिंग इसमें दिया है, अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूजेस के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर वन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में दे आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स जो ड्रग है दोस्तों वो नियोमाइसिन और क्लोरो टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, ये ड्रग हम इसमें यूज़ करते हैं। एंटी फंगल ऑइंटमेंट, ये दोस्तों फंगस वगैरह में फंगल फंजाई वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसकी ग्रोथ इनहिबिट का मतलब होता है ग्रोथ को रोकना, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट, वो ऑइंटमेंट जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट कहलाते हैं। और प्रोरेटिक का मतलब खुजली वगैरह को कम करते हैं, तो उसमें बेटा मेथाशोन वेलरेट हाइड्रोकॉर्टिकोशोन ये एग्जांपल हो गए दोस्तों इसके। एंटी प्रोरेटिक ऑइंटमेंट मतलब खुजली में जो यूज़ होते हैं दे आर यूज टू रिलीव इचिंग, इसमें दोस्तों बेंजोकेन और कोलता ये इसके एग्जांपल हैं ड्रग के जो इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ वाला ऑइंटमेंट यूज फॉर डेंड्रफ ट्रीटमेंट, जो दे आर अप्लाइड लोकली टू गेट रिलीफ फ्रॉम डेंड्रफ, या लोकली अप्लाई किए जाते हैं किसके लिए डेंड्रफ से रिलीफ के लिए, इसमें सैलिसिलिक एसिड और सिट्रीमाइड इसका एग्जांपल है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेंट ऑइंटमेंट, ये तो सुरक्षा के लिए दे आर प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम मॉइस्चर एयर सन रेज और अदर सब्सटेंसेस से, ये सुरक्षा के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे सोप्स एंड केमिकल से भी दोस्तों। तो इसमें एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन का। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस, तो ऑइंटमेंट बेस एक करियर की तरह ड्रग को ले जाने के लिए काम करते हैं जिसके थ्रू हम ड्रग हम अप्लाई करेंगे। इसमें चार प्रकार के होते हैं ऑयलेजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेसिस, इमल्सन बेसिस, वाटर सोल्युबल बेसिस। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।